All of you, today I shall teach you about the organometallic compound which is belong the BSc third year second paper organic chemistry, and I shall teach you about the consider the 18 electron rule as a guide and determine a value of n in the following. आज मैं आप लोगों को 18 इलेक्ट्रॉन रूल का एप्लीकेशन बताऊंगा. जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने आपको पढ़ाया हुआ था कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, हमने उसमें बताया था कि जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है वह ऑलरेडी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी s2np6 n-1d10 होता है. क्या होता है? यानी s2np6 n-1d10 होता है, ये आपने जाना है. उसके बाद हमने आपको यह बताया था कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो होता है उसको निकालने के लिए दो मेथड होते हैं. पहला मेथड जो होता है वह होता है ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर मेथड, और दूसरा होता है न्यूट्रल एटम मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट मेथड में, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में मैंने आपको यह बताया था कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड होता है उसमें ऑलरेडी आपको सबसे पहले जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है. ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वह होता है C=m+l. तो C=m+l के तहत हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, और जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाता है, C का मतलब होता है चार्ज, m का मतलब होता है मेटल, l का मतलब होता है लिगेंड. तो जो लिगेंड होता है वह लिगेंड की फॉर्मल चार्ज को आपको याद रहना चाहिए कि लिगेंड का फॉर्मल चार्ज क्या होता है. उस फॉर्मल चार्ज को हम रख करके और कॉम्प्लेक्स के चार्ज को रख करके या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के चार्ज को रख करके हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं. जब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाता है तब हम यह देखते हैं कि मेटल का कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है. जब वो ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है तो फिर उसको ले लेते हैं, और फिर लिगेंड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसको ले लेते हैं, और सबको सम कर देते हैं. अगर सम करने पर 18 आ जाता है तो वह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, अगर नहीं आता है तो वह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है. ये तरीका हुआ. दूसरा होता है न्यूट्रल एटम मेथड. न्यूट्रल एटम मेथड में क्या होता है कि आपको जो मेटल, जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिया रहेगा उसमें आपको यह देखना होगा कि उसका न्यूट्रल एटम मान क्या है. तो डायरेक्ट उसके न्यूट्रल एटम मान को हम जोड़ देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वही 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है. अगर 18 आएगा तब, ऐसा नहीं कि 17, 16, 15 या आपका 19, 20 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है. अच्छा, तीसरी चीज़ आप यह देखिएगा कि सबसे सरल मेथड जो आपको होगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए, वह सबसे सरल तरीका होगा न्यूट्रल एटम मेथड. इसलिए आपके पेपर में जब भी कभी पूछे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को एक्सप्लेन कर लीजिए, तो आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल को एक्सप्लेन करते हुए आप यह कोशिश किया करिए कि हम सरल तरीके से उसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करें न्यूट्रल एटम मेथड से. बट अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड दिया हुआ है कि आप उसी को एक्सप्लेन करिए तो आपको करना होगा. तो ये मैं अपनी पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ा चुका हूँ. आज मैं उसका एप्लीकेशन पढ़ाऊँगा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के एप्लीकेशन क्या है, आखिर वो हमारे दैनिक जीवन में कहाँ से आया और क्या उपयोग है उसका, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका क्या रोल है. तो आप सबसे पहले तो उसका पहला रोल जानिएगा. एग्जाम्पल से इसमें आपको बता रहा हूँ. इसका पहला रोल यह होता है कि जैसे किसी मेटल के साथ कितने कार्बोनिल ग्रुप लगेंगे, हाउ मैनी नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अप्रोच बाई द मेटल. क्योंकि ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है, ऑर्गेन का मतलब होता है कार्बन, और कार्बन के साथ साथ ऑर्गेनो मेटेलिक कर रहा है यानी वो क्या कर रहा है, मेटल कर रहा है. फिर क्या कर रहा है भाई, कंपाउंड कर रहा है. यानी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है कि ऑर्गेन के साथ साथ कौन रहेगा, मेटल रहेंगे, और मेटल के साथ साथ कौन रहेंगे, कार्बन रहेंगे. तो यह क्या हो जाएगा भाई, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड हो जाएगा. तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में डायरेक्ट AMC बांड हुआ करता है, यानी मेटल के साथ क्या होता है कार्बन. तो CO क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन कार्बन तो है इसमें. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कितने कार्बोनिल ग्रुप किसी मेटल के साथ लगेंगे, उनकी संख्या का निर्धारण हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत कर सकते हैं. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पहला एग्जांपल लिया हुआ है MnBrCO का होल लाइन. क्या लिया मैंने, MnBrCO का होल लाइन. अब इस केस में MnBrCO का होल लाइन, अब इस केस में होता क्या है कि हमको यह नहीं पता है
कि यह इसमें कितने कार्बोनिल होंगे, यानी कि मैंगनीज को स्टेबल करने के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बोनिल, यहाँ कितने कार्बोनिल लगेंगे इसको हमें नहीं पता है। एम एन बी आर सी ओ का होल लाइन एन दिया हुआ है और हमको निकालना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बोनिल इन द एम एन बी आर सी ओ, यानी एम एन बी आर सी ओ में जो है कितने नंबर ऑफ एन लगेंगे ये हमको पता नहीं है। इसलिए हम करेंगे क्या कि इसमें अब देखिए, मैं न्यूट्रल एटम मेथड से एथिल इलेक्ट्रॉन रूल जिस तरह से निकालते थे कि इसमें एथिल इलेक्ट्रॉन मिलता है कि नहीं मिलता, उसी के तहत मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूंगा, अपने आप एन का मान बता देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह क्या है, प्लस 7 है, ये क्या है, प्लस 1 है, और कार्बोनिल ग्रुप का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 2 होता है, इसलिए वहाँ पे कंट्रीब्यूशन के आधार पर ये क्या हो गया भाई, 2N हो गया, यानी यह 2N हो गया। और ये क्या है भाई, 7 और 1 क्या है, 1, 7 और 1 क्या हो गया, 8 हो गया, 8 प्लस क्या है, 2N बराबर क्या हो गया, 18 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 8 प्लस यानी 8 प्लस 2N बराबर क्या हो जाएगा, 18, है ना। तो 2N बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 8, फिर 2N बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो N बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एम एन बी आर सी ओ का होल 5 हो गया, क्या हो गया, एम एन बी आर सी ओ का होल 5, यानी कि हमको N का मान क्या हो गया, पता चल गया। तो इस तरीके से एथिल इलेक्ट्रॉन रूल के तहत हम किसी भी सी ओ का कार्बोनिल ग्रुप का क्या निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं कि उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बोनिल मौजूद होंगे। तो यहाँ क्या हो गया, एम एन बी आर सी ओ का होल 5 हो गया, यानी कि यहाँ पर कार्बोनिल कितना आ गया भाई, 5 आ गया, क्लियर हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा डब्ल्यू ईटा के पावर 6 C6H6 सी ओ का होल एन है। अब हमको भी यहाँ निकालना है कि एन का मान क्या होगा, क्या निकालना है कि एन का मान क्या होगा। अब इस केस में अब देखिए क्या करेंगे हम, लेट एन बराबर क्या मान लिया मैंने, यक्स मान लिया। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखिए डब्ल्यू क्या है, टंगर, लेट एन बराबर यक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 6 हो गया, और ये क्या हो गया भाई, 2 हो गए। कार्बोनिल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 2X होता है, बराबर क्या हो गया, 18। तो ये क्या हो गया, 2X प्लस 8 बराबर क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो 2X बराबर क्या हो गया, 18 माइनस 8, तो 2X बराबर क्या हो गया, 10। X बराबर क्या हो गए, 5 हो गए। तो इस तरीके से यहाँ भी यह पता चला कि इसमें कितने कार्बोनिल थे भाई, 5 थे, कितने कार्बोनिल है, 5 है। तो ये हो गया डब्ल्यू ईटा के पावर 6 C6H6CO का होल 6। तो ये तरीका होता है आपको कार्बोनिल निकालने का, कि कैसे हम यह जानते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में किसी चीज़ का कार्बो कि कोई हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, हम यह कैसे पता लगाएंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा करते हैं, या किसके तहत पता चलेगा, एथिल इलेक्ट्रॉन रूल के तहत पता चलता है। जैसे CR हो गया ईटा के पावर 3 C5H5CO का होल एन CH3 हो गया। तो आपको अब देखिए आपको यह नॉलेज रखना होगा कि क्रोमियम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है ना, दैट इज स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम। देख लीजिएगा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम 3, 4, 5, 6, है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम 3, 4, 5, 6। अभी कितने होंगे भाई, 6 हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा, 6 रखा। ईटा की पावर 3 C5H5, तो ईटा की पावर 3 है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 और 3 हो गया, जीरो का क्या होता है, 2 होता है, लेकिन CH3 का क्या होता है, 1 होता है। तो टोटल जोड़ लिया क्या हो गया, 6, 3, 9, 9 और 1, 10। 2N बराबर क्या हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2N प्लस 10 बराबर 18 हो जाएगा। तो 2N बराबर क्या होगा, 18 माइनस 10, 2N बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। N बराबर क्या हो जाएगा, 8/2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो N बराबर क्या आ गया भाई, 4 आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, CR ईटा की पावर 3 C5H5 CO का होल 4 CH3 हो गया, है ना, क्या हो गया यहाँ पे, हो गया CR ईटा की पावर 3 C5H5 CO का होल 4 CH3 हो गया। यहाँ पे देखिएगा IBR से CO का हो या CH3 का होता है CH3। अब इसमें भी हमको यह निकालना है कि CO कितना होगा, तो I क्या होता है भाई, IR होना चाहिए, इरिडियम है ना, क्या होना चाहिए, इरिडियम होना चाहिए, IR होना चाहिए यहाँ पे। तो IR क्या होगा, अब आपको देखना होगा इटबियम जिरकोनियम नियोबियम मालिनियम टेक्नीशियम रिथेनियम रोडियम, इसमें IR नहीं पड़ रहा है। लैंथनम टेंटलम लैंथना हैफ्रियम टेंटलम टंगस्टर रिनियम आस्मियम इरिडियम। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना हो गया भाई, 9 हो गए। 9 प्लस क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस क्या हो गया, 2N आ गया, CH3 अला CH3 है, दैट इज क्या हो गया, 1। CH3 का क्या हो गया, 0 हो गया। तो 9, 2, 11, 11, 1, 12 हो गया, 12 प्लस 2N बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएंगे। तो 2N बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 12, 2N बराबर क्या होगा, 6।
तो एन बराबर क्या आ गया भाई, 3 आ गया। तो इसके तहत हम क्या निकाल लेते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत किसी भी मेटल के साथ कितने कार्बोनिल लगेंगे इसकी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यह तो रहा आपका महत्वपूर्ण एप्लीकेशन। अभी हम आपको और बताएंगे कि इसका महत्वपूर्ण एप्लीकेशन और क्या है। अब देखिएगा इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या है, चार्ज जेड वुड बी नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग टू ओबिस 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के लिए माने कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत हम चार्ज निकाल लेते हैं। फर्स्ट पहले इसके पहले मैंने आपको क्या एप्लीकेशन बताया, इसके पहले मैंने आपको एप्लीकेशन बताया कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हुए किसी भी मेटल के साथ हम किस तरह से कार्बोनिल को निकालेंगे। उसको मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, या किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल के साथ कितने कार्बोनिल लगेंगे इसकी संख्या को हम किसके तहत निकाल लेते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत निकाल लेते हैं। किसके तहत निकाल लेते हैं हम, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत निकाल लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि आप यह कैसे निकालेंगे, आप यह किस तरह से निकालेंगे कि किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज आता है, कितना आवेश आता है, यानी कि वह कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, क्या कैसे होता है, कितना वो चार्ज देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला एग्जांपल जैसे मैंने लिया आपका सोल्यूशन, आप पहला देख लीजिएगा। पहला सोल्यूशन जैसे आप देखिए दिया हुआ है CO है ना, और क्या दिया हुआ है CO का वर्क राइस दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है जेड। ये मान निकालना है कि जेड का मान क्या होगा, क्या निकालना है भाई, यह निकालना है कि जेड का मान क्या होगा, यही निकालना है। तो इस ध्यान दीजिएगा कैसे हम निकालेंगे कि जेड का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमको 18 इलेक्ट्रॉन रूल आना चाहिए कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत क्या कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि यह टोटल जोड़ने पर क्या आना चाहिए भाई, 18 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। कितना आना चाहिए भाई, 18 आना चाहिए, यानी इनको पूरा टोटल जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जब 18 आना चाहिए तो टोटल इसको हम जोड़ते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो CO क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसको नोट करिएगा आप। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैगनीज, आयरन, कोबाल्ट, ये देखिए आपका ये रहा है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैगनीज, आयरन, कोबाल्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये हो गया, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैगनीज, आयरन, कोबाल्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना कंट्रीब्यूशन हो गया भाई, 9 हो गया। कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, 9 हो गया। तो 9 प्लस ये हो गए, इसके बाद 2 × 3 हो गया, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 2 होता है। हाउ मेनी नंबर आ कार्बोनिल ग्रुप, 3। तो ये क्या हो गया, 2 × 3 = 6 हो गए। उसके बाद प्लस जेड करना है, क्योंकि जेड का ही तो मान निकालना है। प्लस क्या करना है भाई, जेड करना है, क्योंकि जेड का ही मान तो निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया, और 2 × 3 क्या हो गए, 6 हो गए, और प्लस क्या हो गया, जेड बराबर क्या हो गया, 18 है ना। 9 + 2 × 3 प्लस जेड बराबर क्या हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 × 6 = 15 हो गया, 15 प्लस जेड बराबर क्या हो गया, 18 हो गया, 15 प्लस जेड बराबर क्या हो गया भाई, 18 हो गया। अब यहाँ पे जेड बराबर क्या हो जाएगा, 18 − 15 हो जाएगा, जेड बराबर क्या आ जाएगा भाई, 3। जेड बराबर क्या आ जाएगा, 3, वो भी क्या आ जाएगा, प्लस। जेड बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, वो भी क्या आ गया, प्लस 3। तो इसका मतलब जेड का मान यहाँ पे क्या है, यानी यह क्या हो गया भाई, CO हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, CO और का होल थ्रास हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 3, क्या आ गया भाई, प्लस 3। तो इस प्रकार से हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत क्या निकाल लेते हैं, ऑलरेडी उसका चार्ज निकाल लेते हैं, किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्या निकाल लेते हैं हम, चार्ज निकाल लेते हैं, है ना। सबसे पहले आपको ध्यान देना यह होगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एप्लीकेशन पहला क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का पहला एप्लीकेशन यह होता है कि किसी भी मेटल के साथ कितने कार्बन लगेंगे वो निकाल लेते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरा एप्लीकेशन यह है कि उसके ऊपर कितने चार्ज आएंगे उसको निकालते हैं। तो उसके ऊपर कितने चार्ज आएंगे वो मैंने अभी आपको पांच एग्जांपल लिए और लिए हैं। पहले एग्जांपल के तहत मैंने क्या बता दिया कि ये हो जाएगा। अब ये जब हो गया तो यानी टोटल क्या कर लेते हैं हम, 18 कर लेते हैं। जैसे ही टोटल 18 होगा फिर अंदर देखते हैं ये क्या है भाई, कोबाल्ट है।
कोबाल्ट को काउंट कर लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए। अब जैसे ये कोबाल्ट 9 हो गया, प्लस क्या हो गया, 2 हो गया, 2 गुणते क्या हो गया, 2 त्याही 6 हो गया, प्लस क्या हो गया, जेड बराबर क्या हो गया, 3, फिर 9 अच्छा क्या हो जाएगा, 15 बराबर क्या हो गया, 3, जेड बराबर क्या हो गया, 18 - 15, तो जेड बराबर क्या आ गया, प्लस 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी ओ, सी ओ का होल थ्रास प्लस 3, ये सी ओ क्या है, कोबाल्ट है, और यह सी ओ क्या है, कार्बोनिल है, यह सी ओ क्या है भाई, कोबाल्ट है, और यह सी ओ क्या है, कार्बोनिल है। तो इस तरह से क्या बना, सी ओ, सी ओ का होल थ्रास प्लस 3। अब आप इसको अगर जोड़ेंगे तो 18 बताएगा, क्यों, क्योंकि ये हो गया 9, और ये क्या हो गया, 9 - 6 = 15, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3, तो 15 - 3 क्या हो जाएगा, 18। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, जेड का मान 18 - 5 नहीं बोला जाएगा, बल्कि यहाँ जेड का मान -3 आएगा। क्या आएगा, ये -3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपको प्लस जेड का मान, जेड का मतलब यहाँ पे इस तरह से होगा, यानी यहाँ प्लस जेड करके हम नहीं दिखाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप प्लस जेड करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन बट हम जेड का मान निकाल लेंगे। पूरा जोड़ने पर क्या आता है, 15 आता है, और होना कितना चाहिए, 18, तो 18 हो गया, तो जेड का मान क्या आ गया भाई, -3, जेड का मान क्या आ गया भाई, -3 आ गया। इसमें यहाँ पे क्या रखेंगे, -3, क्योंकि जब हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने लगेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम प्लस जेड नहीं करते हैं, प्लस जेड नहीं करेंगे हम, 9 + 2 = 6 बराबर क्या हो गया, 18 हो गया, 9 - 6 = 15 हो गए बराबर 18, तो 15 में 18 क्या करें, ऐड करें, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है तो माइनस होता है, तो माइनस किया मैंने तो -3 किया। और अगर आप यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या जोड़ेंगे, 9, और इसके लिए क्या जोड़ेंगे, 2 गुणते 3, और इसके लिए क्या जोड़ेंगे, माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 9 ये हो गया, और 2 चाहिए क्या हो गया, 6 हो गया, प्लस क्या हो गया, 3, तो 9 - 6 = 15, 3 क्या हो गया, 18। तो इसका मतलब यहाँ चार्ज क्या आना चाहिए भाई, -3 आएगा, यहाँ चार्ज क्या आएगा भाई, -3 आएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में आपको यह देखना होता है कि उनके न्यूट्रल एटम मेथड के द्वारा उनका मान क्या आता है, वो देखेंगे। उसके बाद आपको यह देखना होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो कितना ऐड किया जाए कि वो 18 के बराबर आ जाए, यहाँ 15 आ रहा है इसका मतलब कितना ऐड किया जाए भाई, 3 किया जाए, और जैसे ही 3 किया जाएगा तब क्या आ जाएगा भाई, 18 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, तो जब इसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, 18, इसका चार्ज क्या आ गया, -3 आ गया, ये हो गया। तो आपने ये तरीका देखा। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ले लिया एनाइल ले लिया, सी ओ का होल थ्राइस ले लिया, और एनओ ले लिया, क्या ले लिया, एनाइल ले लिया, सी ओ का होल थ्राइस और एनओ ले लिया। अब यहाँ पर क्या निकालना है भाई, जेड का मान निकालना है, क्या निकालना है भाई, जेड का मान निकालना है कि इसमें जेड का मान क्या होगा, है ना। एनाइल ले लिया, सी ओ का होल थ्राइस ले लिया, एनओ ले लिया, और क्या ले लिया, जेड। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जेड का मान क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं कि जेड का मान क्या होगा, यानी 18 इलेक्ट्रॉन रूल का हेल्प लेते समय 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करके आप यह निकालिए कि जेड का मान क्या होगा, या क्या प्लस आएगा कितना, या क्या माइनस आएगा तो कितना आएगा, इसको देख करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन याद होना चाहिए, न्यूट्रल एटम मान याद रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये तरीका रहा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये रहा ना। तो इस तरीके से इसको गिनिए, क्या गिनेंगे आप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने आ गए भाई, 10 आ गए, इसलिए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 उड़ते क्या हो जाएंगे, 2, और प्लस क्या होगा, नाइट्रोसिल, क्या है भाई, नाइट्रोसिल। अब नाइट्रोसिल को आपका कंट्रीब्यूशन याद रहना चाहिए, नाइट्रोसिल का क्या याद रहना चाहिए भाई, कंट्रीब्यूशन याद रहना चाहिए। तो नाइट्रोसिल का क्या होता है, 3 होता है, एक नाइट्रोसिल, मैंने आपको एक लिस्ट दिया हुआ था क्लास चलाते समय, और उसमें मैंने आपको दिखाया था कि न्यूट्रल एटम मान क्या होता है, तो नाइट्रोसिल लीनियर होता है, नाइट्रोसिल बेंट, जब नाइट्रोसिल लीनियर होगा तो वहाँ पर 3 मान हो जाएगा, जब वह बेंट रहेगा तो 1 मान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर है इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टोटल कितने आने चाहिए, 18 आने चाहिए, टोटल कितने आने चाहिए, 18 आने चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, निकिल का मान रखा,
फिर उसके बाद किसका रखा, कार्बोनिल का, और फिर किसका, लैट्रोसिल का। तो टोटल कितने आने चाहिए भाई, 18 आने चाहिए। तो अब यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, 10 हो गया और दो चाहिए क्या हो गए 6, और फिर क्या हो गया 3, बराबर क्या होनी चाहिए 18 होनी चाहिए। तो 10 6 16 और 16 3 19, 10 6 16 और 16 3 क्या हो गया 19। अब देखिए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया है ना, 10 6 16 16 3 क्या हो गया 19। तो अब यहाँ पर आप देखिए 19 हो गया, तो इसका मतलब 19 माने से 3 आप जब करेंगे तो ये ऑलरेडी क्या आ जाएगा भाई, दैट इज प्लस 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जेड का मान क्या आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है। जेड का मान क्या आ रहा है भाई, प्लस 1 आ रहा है। तो इस प्लस 1 को हम वहाँ पर रखते हैं, जब हम वहाँ पर रखेंगे तो निकिल हो गया, CO का होल थ्रास हो गया, और ये क्या हो गया नाइट्रोसिल हो गया NO, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस 1, एक प्लस मैंने लगा दिया। तो इस प्रकार से हम यह मालूम कर लिए कि इसके ऊपर कितने चार्ज आएंगे, क्या मालूम हो गया कि इसके ऊपर कितने चार्ज आएंगे, कितने आवेश आएंगे। तो हमने देखा कितने चार्ज आ गए भाई, प्लस 1 आ गया। मैंने क्या देखा कि इसके ऊपर कितने चार्ज आ गए भाई, प्लस 1 आ गया। तो जब यहाँ पे ये प्लस 1 आ गया, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट कर चेक भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए मैंने यूज़ क्या किया 10, इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया 2, कंट्रीब्यूशन होता है कितने लोग हैं 3 हैं, नाइट्रोसिल कितना है भाई 3 है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो आप जोड़ लीजिए 10 हो गया ये, और 2 चाहिए क्या हो गया 6 हो गया, और 3 में से 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो 6 2 क्या हो गया 8, और 10 8 18, तो यह 18 यानी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो किया कि नहीं किया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो किया। तो आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ गए भाई 18 आ गए, प्लस 1 आ गया, तो 1 आ गया। आपको मैं चेक करके अभी बता दिया कि यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑलरेडी इसके ऊपर जेड का मान प्लस 1 आएगा तब जा करके यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, वरना यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अगला देखिएगा तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में है CP। CP का मतलब साइक्लोपेंटाडाइन, क्या है भाई CP है। उसके बाद क्या दिया हुआ है FE, क्या हुआ दिया है FE दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है CO का होल थ्रास, और फिर क्या दिया हुआ है ZD दिया हुआ है। इनका कहना है कि CP है, FE है, CO का होल थ्रास और ZD है। इसमें आप यह बताइए कि ZD का मान क्या होगा। तीसरा एग्जांपल क्या है CP है, फिर क्या है FE, फिर CO का होल थ्रास और ZD है। इसमें आपको यह देना होगा कि इसका मान क्या होगा। तो आप CP का मतलब ईटा के पावर 5 CP, साइक्लोपेंटाडाइन, और साइक्लोपेंटाडाइन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 5 होगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा भाई 5 है ना, और प्लस FE का मतलब आयरन, और आयरन का क्या हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये आज का आयरन रहा 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। आयरन का क्या आ गया भाई 8 हो गया, 8 ये हो गया, फिर ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है 2 होता है, और ये क्या होता है 3 2 4 6, आना कितना चाहिए भाई 18, कितने आने चाहिए भाई 18 आने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से 18 आने चाहिए, तो ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 8 8 5 क्या हो गया 13, और 13 ही है, मान कि यहाँ पे चलिए एक बार पूरा का पूरा डिजिट लिख देते हैं 5 + 8 + 6 बराबर क्या कर दिया मैंने 18 कर दिया, 8 5 13 13 6 क्या हो गया 19। अब यहाँ पे क्या है 18, तो इसका मतलब 19 - 18 बराबर क्या आ जाएगा प्लस 1, दैट इज प्लस 1 का मतलब क्या हो गया प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे यह साबित हो गया कि जेड का मान प्लस 1 है, जेड का मान क्या है प्लस 1। तो जैसे ही हम यहाँ पे जेड का मान प्लस 1 हो गया, तो यह क्या आ गया CP आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया FE, और फिर क्या हो गया CO का होल थ्रास, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 1 CO का होल थ्रास, फिर क्या आ गया प्लस 1 आ गया। अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल चेक करना भी चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 5, यहाँ पे क्या लिख दिया 8, यहाँ पे क्या लिख दिया 2 × 3, और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 1, क्योंकि जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा माइनस रहेगा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 5 13, और यहाँ पे देखिए फिर आप कर लीजिए 5 + 8, और 2 चाहिए क्या हो गया 6 6, माइनस क्या हो गया 1 हो गया, 8 5 13 6 19 19 में से 1 क्या हो गया 18। इसलिए यह क्या कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, या क्या कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यह होता है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा कब, जब इसका जेड का मान प्लस 1 आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा तब जब इसका मान क्या आएगा प्लस 1 आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत हम किसी भी मेटल कार्बोनिल ग्रुप का ऑलरेडी यह पता लगा सकते हैं कि उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा,
या कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कितने ऊपर अपने चार्ज लगा करके वह अपने आप को स्टेबल रख सकता है ना। क्या पता लगा सकते हैं हम यह पता लगा सकते हैं कि वह अपने ऊपर कितना चार्ज रख करके अपने आप को स्टेबल रख सकता है। एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, आराम से लिख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको दिया ये सीओ का होल थ्राइड दिया है, यह मैंने किया है, तो सीओ का होल थ्राइड हो गया। अब इसमें यह निकालना था कि जेड का मान क्या होगा। मैं 5 एग्जांपल लिया हूँ, अभी बहुत सारी एग्जांपल आपको दूंगा तब तक जब तक आप अच्छी तरह से समझ नहीं जाएंगे, क्योंकि 80 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के लिए आता है हर साल, और साथ ही साथ उसमें यह भी पूछता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एक्सप्लेन द 80 इलेक्ट्रॉन रूल विद द सुटेबल एग्जांपल एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 80 इलेक्ट्रॉन रूल। 80 इलेक्ट्रॉन रूल का यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका क्या रोल होता है, इसको निकालने के लिए आता है। तो मैंने आपको समझाया और आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमने आपको बताया कि आपके न्यूट्रल एटम मेथड के तहत इनके मान याद रहने चाहिए। जैसे कोबाल्ट है 9 है, इसका क्या हो गया 3 × 2 = 6 बराबर क्या हो गया 18 हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया 9 + 6 बराबर क्या हो गया 18, तो 9 + 6 क्या हो गया 15 हो गया। इधर क्या है 18 है, तो 15 में जब 3 जोड़ेंगे तभी तो 18 आएगा, इसलिए जेड का मान क्या हो गया -3। आप चेक भी कर सकते हैं कि जो मैंने मान चार्ज का निकाला है वह गलत है कि सही है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आप चार्ज का मान निकाल सकते हैं। सीओ का होल थ्राइड 9 + 2 × 3 = 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 × 2 = 3 क्या हो गया 6 + 3, तो 9 × 6 = 15, 3 क्या हो गया 18। तो आपने देखा कि यह 80 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो भी कर रहा है। अगला आप देखिएगा NiCO का होल थ्राइड 9, फिर क्या आ गया जेड आ गया। अब यहाँ भी आपको निकालना है कि जेड का मान क्या होगा, कितना आएगा, तो निकल के क्या होता है 10 होता है। ये क्या है 3 × 2 = 2 क्या हो गया 6। नाइट्रोसिल का क्या होता है 3 होता है, तो 10 × 6 = 16 क्या हो गया, नहीं टोटल कितने आने चाहिए 18। इसका मतलब एक क्या जा रहा है एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा जा रहा है, तो उसको निकालिए तब जा करके स्टेबल हो गए, इसलिए जेड का मान क्या आ गया +1। आप चेक भी कर सकते हैं NI हो गया, CO का होल थ्राइड 10 + 1 हो गया, यहाँ से 10 हो गया 2 × 6 हो गया +3 हो गया -1 हो गया, तो 10 हो गया 2 × 6 हो गया, फिर क्या हो गया 3 में से 2 हो गया, तो 10 + 6 = 16 क्या हो गया 18 हो गया। इस तरह से यह क्या कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। उसके बाद आप देखिएगा CO का होल थ्राइड हो गया, यहाँ पे क्या आ गया भाई 5 हो गया, इसका क्या हो गया 8। ये क्या है 3 × 2 = 6 × 2 = 6 हो गया, टोटल कितने हो गए 18 हो गए, 5 × 8 × 2 = 6 हो गया बराबर 18, तो टोटल क्या आ गया 19, यहाँ भी +1 आ गया। तो इस तरह से मैंने भी चेक कर लिया। तो हम देखें कि 80 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत, 80 इलेक्ट्रॉन रूल के एप्लीकेशन के तहत हम किसी भी मेटल कार्बोनिल को कितना संख्या होगी उसको निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ यह निकाल सकते हैं कि उसमें जेड का मान या उसके ऊपर किस प्रकार का चार्ज होगा, यह भी निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिएगा चौथा, देखिएगा एग्जांपल चौथा आपका है η⁶ P6S6 या मेन CO का होल ट्वाइस CS3 ये दिया हुआ है, और कह रहा है जेड का मान निकालिए। क्या दिया η⁶ C6S6 MN CO का होल्टा CS3, अब पूछ रहा है कि जेड का मान निकालिए। क्या पूछ रहा है जेड का मान निकालिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है ओवरऑल कितना आना चाहिए 18, क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। अब यहाँ पर 18 आना चाहिए, तो ये C6 का मतलब न्यूट्रल एटम क्या आ जाएगा, अच्छा मैगनीज का क्या काउंट करिए, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज 3, 4, 5, 6, 7 कितने हो गए 7 हो गए, प्लस कार्बोनिल का क्या होता है 2, तो यहाँ पे एक कार्बोनिल का 2 है, तो 2 कार्बोनिल का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और CH3 का क्या होता है +1, CH3 का क्या होता है +1, तो ये तरीका रहा। तो अब आप यहाँ पे जोड़ लीजिए 6 और ये हो गया 7 और 2 × 4 और प्लस क्या हो गया 1 बराबर क्या हो गया 18, तो 7 × 6 = 13, 13 × 4 = 17 और 17 × 1 = 18, 18 = 18 का मतलब क्या हुआ कि जेड बराबर 0, क्या हो गया भाई जेड बराबर 0।
जेड बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपको यह नॉलेज रहना चाहिए कि अगर जेड बराबर जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। अगर जेड बराबर जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ईटा के पावर सिक्स सी सिक्स या सिक्स एम एन सी ओ का होल ट्वाइस सी एस थ्री, और इसके ऊपर हम किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका रहा। पांचवा पॉइंट है, पांचवा देख लीजिएगा, पांचवा वाला है आपका ईटा की पावर फाइव सी पी साइक्लोपेंटाडाइन, फिर क्या है सी ओ का होल ट्वाइस, और फिर क्या है एफ ई, और फिर है आपका पी एच सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, और फिर क्या आ गया आपका जेड। ये तरीका है, और इसमें क्या कह रहा है कि जेड का मान क्या होगा। तो ईटा के पावर फाइव सी पी साइक्लोपेंटाडाइन डेट इज क्या हो जाएगा, पांच कार्बोनिल है तो एक कार्बोनिल का दो होता है तो दो कार्बोनिल का क्या हो जाएगा दो, या फाइव का क्या होता है आठ होता है तो आठ कर लीजिए। अब आपको यहाँ से पी एच सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच का मालूम रहना चाहिए, तो ऑलरेडी इसका मान दो होता है, लिस्ट में जा करके आप देखेंगे एल्काइन का तो दो होगा, और टोटल कितने आने चाहिए अट्ठारह, टोटल कितने आने चाहिए अठारह आने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये पाँच हो गया, और दो दूनी क्या हो गया चार, और यहाँ से क्या हो गया आठ, और दो है ये बराबर क्या हो गया अट्ठारह, तो पाँच चार नौ, नौ आठ सत्रह, और सत्रह दो उन्नीस बराबर क्या हो गया अट्ठारह, तो एक एक्स्ट्रा जा रहा है तो उन्नीस में से अट्ठारह के क्या हो गया प्लस वन, तो जेड बराबर क्या हो गया प्लस वन, जेड बराबर क्या हो गया प्लस वन, जेड बराबर क्या हो गया प्लस वन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईटा के पावर फाइव सी पी सी ओ का होल ट्वाइस एफ आई पी एस सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, यहाँ पे क्या आ गया प्लस वन, क्या आ गया प्लस वन। तो अब यहाँ पर आप एटेन लिखा फॉलो करिए, तो ये हो गया पाँच दो गुड़ते दो धन आठ धन दो है ना, ये हो गया, और माइनस एक हो गया क्योंकि प्लस है तो यहाँ क्या लगाएंगे माइनस, तो ये क्या हो गया आपका पाँच, और दो दूनी क्या हो गया चार, आठ धन दो में से एक गया एक, तो पाँच चार नौ, नौ आठ सत्रह, सत्रह क्या हो गया अट्ठारह। तो यहाँ पे क्या गया एटीन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यह तरीका रहा, एक बार फिर से आप देख सकते हैं ईटा की पावर सिक्स सी सिक्स एस सिक्स एम एन सी ओ का होल ट्वाइस सी एस थ्री जेड, यह दिया हुआ है। एटीन इलेक्ट्रॉन रूल के तहत हमें जेड का मान निकालना है कि जेड का मान क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया ईटा की पावर सिक्स का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया छः हो गया, एम एन का क्या हो गया सात हो गया, सी ओ का होल ट्वाइस दिया हुआ है तो सी ओ का मान कितना होता है दो, तो दो सी ओ का मान कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, सी एस थ्री का मान क्या होता है एक होता है, तो आप टोटल जोड़ लीजिएगा छः हो गए। इसके लिए मैंने क्या किया सात, फिर दो दूनी क्या किए चार, और फिर क्या किए एक, तो सात छः तेरह, तेरह चार सत्रह, और सत्रह और एक क्या हो गया अठारह, अठारह का मतलब क्या हुआ जेड का मान जीरो हो गया, यानी इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। क्या हो गया इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, तो फिर क्या होगा ईटा के पावर सिक्स सी सिक्स या सिक्स एम एन सी ओ का होल ट्वाइस सी एस थ्री है ना, क्या हो गया ईटा के पावर सिक्स सी सिक्स एम एन सी ओ का होल ट्वाइस सी एस थ्री, यह हो गया यानी यह एक मान आ गया ईटा के पावर सिक्स सी सिक्स या सिक्स एम एन सी ओ का होल ट्वाइस सी एस थ्री, यह एक मान आ गया। किसका मान आ गया दैट इज, यह बताया जा रहा है कि जेड यहाँ पर जीरो है। यहाँ तक देखिएगा ईटा के पावर फाइव सी पी सी ओ का होल ट्वाइस एफ ई पी एस सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, और इधर क्या हो गया जेड हो गया। जब यहाँ पर जेड हो गया तो इसका मतलब क्या होगा पाँच धन दो गुड़ते दो धन आठ धन दो, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गया एटीन हो गया, तो फाइव प्लस फोर प्लस एट प्लस टू बराबर क्या हो गया एटीन हो गया, नाइनटीन बराबर क्या हो गया एटीन, नाइनटीन माइनस एटीन बराबर क्या हो गया प्लस वन, तो जेड बराबर क्या आ गया प्लस एक आ गया।
तो इस तरीके से आप ये जानेंगे। तो ईटा के पावर 5 सीपी हो गया, सीओ का होल टास एफ ही, पीए सिंगल मार्क से ट्रिपल मार्क से सिंगल मार्क एफ प्लस एक आ गया। जब आप टोटल इसको करेंगे तो यहाँ से यह क्या आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल आ जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, अगर हम ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं और यदि हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल अच्छी तरह से आ रहा है, तो हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के चार्ज को और उसके नंबर ऑफ कार्बोनिल को ज्ञात कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पहला वाला एग्जांपल का सलूशन है दिया हुआ आपको, आर यू सी ओ का होल 4 एस आई एम ई 3 जेड ये दिया। अब आपको पूछ रहा है कि इसमें जेड का मान क्या होगा, है कि नहीं, जो अभी मैंने बताया। तो आपको रुथेनियम निकालना होगा, कि रुथेनियम क्या होता है, तो स्कैंडियम टाइटेनियम मेलिडी, इसमें रुथेनियम मिलेगा नहीं, तो रुथेनियम जहाँ पे मिले उसमें जाइए आप। लेंथ है ना हैफ नियर टेंटल टंगस्टरिन, इसमें भी नहीं मिलेगा। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीन जाइएगा, इटरबियम जिरकोनियम नियोबियम मालिडियम टेक्नेशियम रुथेनियम, ये रहा आपका रुथेनियम। 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया आपका। इसके लिए आप क्या जोड़ लीजिए, 8 जोड़ लीजिए। कार्बोनिल ग्रुप की क्या होता है, 2 होता है, कितने कार्बोनिल ग्रुप है, 4, इसलिए क्या हो गया, 4 हो गया। एस आई एम ई 3 क्या होता है, 1 होता है, कितने लोग हैं, 1 ही सेट है, इसलिए 1 × 1 होना कितना चाहिए, 18 होना कितना चाहिए भाई, 18 होनी चाहिए। जब 18 होनी चाहिए तो आप ये कर दीजिए 8 और दो चौके क्या कर दीजिए 8 और फिर क्या कर दीजिए 1 बराबर क्या हो गया 18 है ना। तो 8 × 8 = 16 और 1 क्या हो गया 17 ये हो गया और इधर 18 हो गया, होने कितने चाहिए 18। तो इसका मतलब 17 और 18 के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 ऐड होना चाहिए। तो जेड का मान क्या आ जाएगा, -1। जेड का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर एस सी ओ का होल 4 या साई एम ई 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1। जब हम इस पर -1 लिख देंगे तो हम सवाल लगा सकते हैं। इसके लिए हम देखिए क्या यूज़ किए, 8, इसके लिए 2 × 4 यानी 8, और इसके लिए क्या किए, 1 कर दिए, और -1 तो यहाँ क्या करेंगे प्लस, तो 8 ये हो गया, 2 × 8 ये हो गया और 2 हो गया, तो 8 × 8 = 16 = 18। तो ये क्या किए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो किया कि नहीं किया, बिल्कुल फॉलो किया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो किया हुआ है कि नहीं। तो ये तरीका रहा, सबसे पहले मैंने क्या किया, आर यू सी ओ का होल 4 एस आई एम ई 3 जेड किया, 8 धन 2 × 4 में फिर 8 कर लिया, फिर प्लस क्या किया, 1 × 1 बराबर क्या किया 18, तो ये 8 हो गया प्लस, फिर 8 हो गया, फिर प्लस 1 हो गया, तो 8, 8, 10 और 1 8, 8, 16, 1, 17 हो गया, तो 16 ये हो गया, फिर 18 ये हो गया। तो रिकमेंड कितनी का पड़ा, 1 का, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो ये टोटल कितने आ गए, 18 आ गए। तो अब फिर आप इसको जब काउंट करेंगे तो टोटल इसमें 18 आएगा भी, जब आप इसको क्या करेंगे काउंट करेंगे तो इसमें टोटल 18 आएगा भी, है कि नहीं, 18 आएगा भी। ये तो रहा इसमें आपका पहला। इसका दूसरा एग्जांपल देखिएगा, ईटा के पावर 3 हो गया है ना, फिर क्या हो गया C5H5 हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया आपका V हो गया, और यहाँ पे क्या है CNME, ये हो गया होल 5 हो गया, और फिर आपका क्या आ गया Z, ये पूछ रहा है CNME आ गया और पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ईटा के पावर क्या है, 3 है C5H5, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 3। वैनेडियम के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, 3, 4, 5, 5 यूज़ करेंगे, और इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, 2, आगे क्या है 5, तो ये 5 हो गया। टोटल कितने आने चाहिए भाई, 18 आने चाहिए, कितने आने चाहिए, 18 आने चाहिए,
तो तीन हो गया ये, पाँच हो गया, दो पंचे दस, बराबर क्या होनी चाहिए, अट्ठारह। तो पाँच तीन आठ और दस आठ अट्ठारह, अट्ठारह बराबर अट्ठारह का मतलब क्या होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे एटीन इलेक्ट्रॉन रूल जीरो हो जाएगा, सॉरी जेड बराबर क्या हो जाएगा जीरो, यानी यह एटीन इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ईटा के पावर थ्री सी फाइव एस फाइव सी, और क्या होगा कि ये नियम ही हो गया, वन फाइव हो गया, ये हो गया आपका। तो ये तरीका रहा आपका कि हम ये चार्ज निकाल लेते हैं आसानी के साथ। तीसरा एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दिया है, डब्लू सी ओ का होल फाइव, एस एन पी पी एस थ्री, पी पी एस थ्री, फिर क्या आ गया जेड, एस एन पी पी एस थ्री, फिर क्या आ गया भाई जेड आ गया। अब यहाँ पर भी आपको निकालना होगा कि इसका मान क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यह जानिए जो W होता है उसको देखिएगा इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो W कहाँ पड़ेगा, लेंथ ना हाइफ्रिया टेंटल टंगस्टन, तीन चार पाँच छः पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, छः हो गया, कार्बोनिल दो गुड़ते पाँच हो गए, और ये क्या हो गया दो, बराबर क्या होना चाहिए अट्ठारह। तो छः हो गया, दो पंचे दस हो गया, धन दो क्या हो गया दो, बराबर क्या हो गया अट्ठारह। तो दस छः सोलह दो अट्ठारह, अट्ठारह बराबर क्या हो गया अट्ठारह हो गए। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो गया जेड बराबर जीरो, यहाँ भी जेड का मान क्या है भाई जीरो है, यहाँ भी जेड का मान क्या आ गया जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, डब्लू सी ओ का होल फाइव, फिर एस एन पी पी एस थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे जेड का मान जीरो होगा जिसको नहीं लिखना होगा। तो ये तरीका रहा आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ऊपर कितने चार्ज होंगे उसको नॉलेज करना और उसको ज्ञात करना। तो मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के तहत कितने मेटल के साथ कार्बोनिल लग सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर कितने चार्ज आ सकते हैं, कितने आवेश आ सकते हैं उसको बताया। अब मैं अगला बताऊँगा कि आप कैसे यह नॉलेज रखेंगे, यह कैसे ज्ञात करेंगे कि किसी भी कार्बोनिल के साथ कौन सा मेटल लग सकता है, यानी मेटल कौन कौन से लग सकते हैं उसको कैसे निकालेंगे, इसको मैं अब बताने जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम यह निकालने वाले हैं तीसरा एप्लीकेशन कि एटीन कानून के तहत यम का मान क्या होगा, चार्ज नहीं यम, मेटल, मेटल वुड बी नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग टू ओबे फॉर एटीन इलेक्ट्रॉन रूल, कौन सा मेटल इसमें होगा इसको अब हम निकालने वाले हैं कि मेटल कैसे नॉलेज करेंगे। पहला एप्लीकेशन तो मैंने आपको यह बताया कि पहला एप्लीकेशन यह होता है कि आप एटीन इलेक्ट्रॉन रूल के तहत यह कैसे नॉलेज रखते हैं या यह कैसे निकालेंगे कि वह एटीन इलेक्ट्रॉन रूल के तहत कि उस मेटल के साथ कौन सा कार्बोनिल लगा हुआ है। और दूसरा मैंने आपको यह बताया कि आप यह कैसे नॉलेज रखेंगे, आप यह कैसे जानेंगे कि उसके साथ कितने कौन से चार्ज लगेंगे। उसके बाद मैं एग्जांपल फिर एक आपको और को दे रहा हूँ कि यह कैसे पता चलेगा कि उस कार्बोनिल के साथ कौन सा मेटल लगेगा, है ना, कौन सा मेटल उस कार्बोनिल के साथ लगेगा। उसके बाद कुछ साइक्लो कंपाउंड भी लेकर के हम आपको बताएँगे कैसे आप जानेंगे वहाँ पर। जैसे इसका सलूशन आप देख लीजिए, यहाँ पे पाला दिया हुआ है, जैसे यम दिया हुआ है, सी ओ का होल सेवन दिया हुआ है प्लस एक। अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे मेटल कौन सा होगा, क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मेटल कौन सा होगा। तो आप ये जानते ही हैं कि टोटल रूल कितने फॉलो करने चाहिए इसको, 18। अगर एक मेटल है तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए, अगर दो मेटल हैं तो 36 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होने चाहिए, अगर तीन हैं तो 54 होना चाहिए, है ना। अगर एक है तो क्या होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए, अगर दो है तो क्या करना चाहिए, 36 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए, अगर तीन है तो क्या करना चाहिए, 54 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए। ये ऑलरेडी हमको पता है,
तो यहाँ पर मैंने इतने इलेक्ट्रॉन किया इसलिए क्योंकि एक मेटल था। अब उसके बाद हमको चेक करना है कि यहाँ कौन सा मेटल होगा, तो यम प्लस कर दिया। एक कार्बोनिल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, दो होता है, तो दो कार्बोनिल का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, चार। सात का कितना, चौदह, क्योंकि दो बढ़ते सात बराबर क्या होगा, चौदह हो जाएगा। यहाँ पर प्लस एक है, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस एक कर देंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो होगा यह हो जाएगा आपका यम, सात दूनी क्या होगा, चौदह माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा, अठारह हो जाएगा। तो चौदह में से एक क्या हो गया, तेरह बराबर क्या हो गया, अठारह। तो यम बराबर क्या होगा, अठारह माइनस तेरह, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, पाँच। यम बराबर क्या हो जाएगा, पाँच। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाँच किसका होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तीन चार पाँच, वेनेडियम, यानी इस यम की जगह पे वेनेडियम हो सकता है। और किसका, दूसरे सीरीज में कौन हो सकता है, दूसरे सीरीज में कौन हो सकता है, इट्रियम, झिरकोनियम, नियोबियम, तीन चार पाँच, नियोबियम हो सकता है, कौन हो सकता है, नियोबियम, है ना। उसके बाद क्या हुआ, लेंथ ना, हैफनियम, टेंटेलम, यानी टेंटेलम भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी यह कंपाउंड जो बन सकता है वो बन सकता है वी सी ओ का होल सेवन प्लस, ये भी बन सकता है, और यह बन भी सकता है एन बी सी ओ का होल सेवन प्लस, और यह भी बन सकता है कि टेंटेलम सी ओ का होल सेवन प्लस, ये भी बन सकता है, ये कंपाउंड बन सकते हैं, है कि नहीं। इसका अगला एग्जांपल देखिएगा, दूसरा यम दिया हुआ है सी ओ का होल ट्वाइस, सी एस दिया है, सी पी एस थ्री दिया हुआ है, और बी आर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इसने भी पूछ रहा है कि यम का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है कि यम का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यम का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक। तो टोटल आप ये जानते हैं, यहाँ पे मैं यम लिख दूंगा, दो गुणते दो लिख दूंगा, इसके लिए दो यूज़ करूंगा, इसके लिए दो प्लस एक बराबर क्या होने चाहिए, आठ, अट्ठारह होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, अट्ठारह होने चाहिए, ये कर दिया मैंने। अब क्या किया, यम दो दूनी चार, दो दो चार और एक पाँच बराबर क्या हो गया, अट्ठारह, तो पाँच चार नौ, ध्यान दीजिएगा, दो दूनी चार, है ना, दो दूनी चार, और दो दो चार और एक पाँच बराबर क्या हो गया, अठारह हो गया। तो यहाँ पर ये होगा यम प्लस नाइन बराबर अठारह, तो यम बराबर क्या हो गया, अठारह माइनस नौ, तो यम बराबर क्या हो गया, नौ। मेटल का कंट्रीब्यूशन क्या बता रहा है, नौ बता रहा है, तो नौ किसका किसका हो जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यानी यहाँ पी एम का मान क्या हो जाएगा, कोबाल्ट एक हो जाएगा। दूसरे वाले सीरीज में चलते हैं, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, रोडियम है, तो मेटल की जगह पे रोडियम भी हो सकता है। फिर उसके बाद लेंथ है ना, हाइफ्रिया, टेटलेंट, अगस्टा, रीनिया, आसमिया, इरिडियम, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इरिडियम है, नौ है, ठीक है। तो ये रहा भाई मेटल, इतने लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर बन क्या सकता है, सी ओ, सी ओ का होल ट्वाइस, सी एस, सी पी एस थ्री, बी आर, एक कंपाउंड ये बन सकता है। उसके बाद आपका बन सकता है आर एच,
सीओ का होल टायर, सीएस, पीपीएस 3, बीआर, ये बन सकता है। अगला आपका बन सकता है आईआर, सीओ का होल टायर, सीएस, पीपीएस 3, बीआर बन सकता है। ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो आपने देखा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत हम किस तरह से यह निकाल लेते हैं कि यह ऑलरेडी कौन सा मेटल किसी कार्बोनिल के साथ लगेगा, है कि नहीं। फाइनल एग्जांपल इसका देखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम साइक्लिक कंपाउंड लेंगे, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कैसे मेटल उसके अंदर आता है, कितने आते हैं कैसे पता चलेगा आपको। ये देखिएगा, तो यहाँ पर आपका है C2H5 इथाइलीन है, C2H5 हो गया, यम हो गया, CO का होल 5 हो गया, ये हो गया। अब हमको यह जानना है कि यह क्या होगा, क्या जानना है कि यह क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेटल निकालना है, तो आपको यह पता है कि टोटल कितने होने चाहिए, 18 होने चाहिए। अब आपको नॉलेज ये भी रखना होगा कि CTH5 का कितना होता है, तो या CH3 हो गया, CTH5 किसी भी एल्काइल का एक होता है, तो प्लस एक प्लस यह प्लस दो गुणते पाँच, ये हो गया प्लस एक प्लस यम, दो पंच दस बराबर क्या हो गया 18, और दस एक क्या हो गया 11, यम प्लस 11 और 18 हो गए, तो यम बराबर क्या हो गया 18 माइनस 11, तो यम बराबर क्या हो गया 7, यम बराबर क्या हो गया 7। अब 7 किसका किसका होता है इसको देखिएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे यम की जगह पे क्या आ जाएगा, मैग्नीज आ गया। दूसरी वाली सीरीज में देखिएगा क्या आ सकता है, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मालिडेनम, टेक्नीशियम, 3, 4, 5, 6, 7 टेक्नीशियम आ गया। फिर अगला आप पता लगाइए क्या आ सकता है, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटलन, टंगस्टन, रिनियम, 3, 4, 5, 6, 7 रिनियम आ गया, आरई। तो यंग की जगह पे इतने लोग आ सकते हैं, यंग की जगह कितने लोग आ सकते हैं, इतने लोग आ सकते हैं। अब जब ये आ गए तो आप पारिवारिक से इसको, यानी यह कंपाउंड आपका हो जाएगा CTH5 MN, फिर क्या हो जाएगा CO का होल 5। एक तो ये बन सकते हैं, दूसरा बन सकता है आपका CTH5 फिर TC फिर CO का होल 5, ये बन सकता है। अगला आपका बन सकता है CTH5 RE CO का होल 5, ये बन सकता है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यदि है तो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत उसका नंबर ऑफ कार्बोनिल, नंबर ऑफ चार्ज और नंबर ऑफ मेटल, या हु इज मेटल इज अप्रोव बाय द कार्बोनिल ग्रुप, कौन सा यूज होगा, ये आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब जैसे आपको यह पता लगाना है कि इसमें कौन सा मेटल होगा, ये पता लगाना हो, तो आप इसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा। तो ये आपका 1 CP है, यानी यहाँ पर ये क्या है, CP, 3P का मतलब साइक्लोपेंटाडाइन, ये क्या है आपका साइक्लोपेंटाडाइन है, ये आपका CP है। तो इस तरह से आपको CP निकालना है कि नहीं। तो CP आपने निकाल लिया, साइक्लोपेंटाडाइन, फिर ये आपका साइक्लो
हेप्टाट्राइन है, तो यहाँ पर ये ईटा के पावर 7 है, ये ईटा के पावर 5 है कि नहीं? तो ईटा के पावर 7, ईटा के पावर 5, तो इस तरीके से आप 7 और 5 क्या निकाल लिए, 12। जब ये 12 हो गया, टोटल 7 प्लस 5 बराबर कितना है 12, आना कितना चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल जब फॉलो करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 12 में से 6 करेंगे, 18 होनी चाहिए, ठीक है। कितनी की रिकमेंड पड़ी, 6 की। तो इसका मतलब यहाँ पे मेटल हुआ होगा जिसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 6 होगा, जिसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरह से आप करेंगे क्या कि 6 हो गए, तो 6 का मतलब ये हुआ कि कौन आना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, 3, 4, 5, 6। यानी यहाँ पे मेटल के रूप में कौन आ गया, 6 मेटल आ रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, 6 हो गए, है कि नहीं। तो 6 में कौन आ गया, क्रोमियम, कौन आ गया, क्रोमियम। दूसरे सीरीज में आप देखिए कौन हो जाएगा, दूसरे सीरीज में कौन आ जाएगा, दूसरे सीरीज में आपका आ जाएगा ऑलरेडी कि इटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मालिडेनम, 3, 4, 5, 6 मालिडेनम आ गया। उसके बाद लेंथ एंड हैफ्रियन, टेंडर एंड टंगस्टन, 3, 4, 5, 6 टंगस्टन आ गया। तो ये तरीका रहा आपका, ठीक, ये रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने आपको ये पढ़ाया। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब यहाँ पर यह स्ट्रक्चर आपका बन सकता है इस तरह से, CR, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये हो सकता है। अब इसी के जगह फिर मॉलिब्डेनम, टंगस्टन भी आ सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया, तो इस तरह से मैंने आपको जो पढ़ाया वह यह पढ़ाया कि किस तरह से आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, आज मैंने टोटल आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत ही पढ़ाया है कि उसका एप्लीकेशन क्या था। तो आपने उसका जो एप्लीकेशन पढ़ा है वह क्या पढ़ा, उसका एप्लीकेशन आपने पढ़ा कि अगर मुझे 18 इलेक्ट्रॉन रूल आ रहा है तो ऑलरेडी मैं किस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत कितने मेटल के साथ कार्बोन लगेंगे इसे आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने क्या पढ़ा, दूसरा मैंने यह पढ़ा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत हम किस तरह से उस मेटल कार्बोन के ऊपर की जो चार्ज आएगा उसको कैसे निकालेंगे। और तीसरा मैंने पढ़ा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत किसी भी कार्बोनिल के साथ कौन सा मेटल लगेगा, ये सारी चीज़ें एग्जांपल के साथ आपने पढ़ा। मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा थोड़ा रिकैप करते हुए, फिर जो शेष ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का बचा हुआ है उसको आपको पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक। अगली वीडियो में जब मैं आऊँगा तो आपको यह ज़रूर बताऊँगा कि इनका नाम कैसे रखा जाता है, इनका नामकरण कैसे किया जाता है। और उस वाली वीडियो में यह आपका समाप्त हो जाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
फिर अगले वाले वीडियो में हम बीएससी पार्ट वन का केमिकल बॉन्डिंग लेकर के आएंगे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करेगा। इसलिए कृपया आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही इसे दबाना ना भूलिए, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा।